हेलो गाइस, तो वेलकम इन आवर चैनल। जैसा कि मैं आज आप लोग के लिए उत्कर्ष क्लासेस में कुछ जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। एंड आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके CHSL, MTS एंड CGL का क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है, जो कि प्रीवियस है। तो चलिए गाइस, टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी देख रहे हैं यहाँ पे, भारत के और प्रमुख दर्रा से भी रिलेटेड होगा क्वेश्चन, ठीक है। जैसा कि आपकी फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जवाहर सुरंग नामक किस प्राकृतिक पर्वत दर्रा को कहता है, सिपकली दर्रा या बनिहाल दर्रा? तो बनिहाल दर्रा को कहता है जवाहर सुरंग। यहाँ पूछ रहा है आपको मिलाना है सूची वन को, कौन सा सही है। देखिए ए का 4 बोरा, यानी कि देखिए यहाँ पर दिया है पर्वती दर्रा ए में, माना दर्रा, नाथुला दर्रा, जोजिला, सिपकला। तो कौन कहाँ पड़ता है? आपको बता दूँ कि सिपकला जो है ना आपको हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। जोजिला आपको जम्मू कश्मीर में, ठीक। नाथुला आपको उत्तराखंड में, और जो एगो बच्चा आपका पर्वतीय दर्रा यानी कि माना सिक्किम में, ठीक है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में इसी तरह कौन है, हिमाचल जब जलपला के सिपकला, तो मैंने जैसे बताया सिपकला है। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तो जम्मू कश्मीर। आर्य ने भारत में किस दर से होकर प्रवेश किया था, यानी कि आर्य जब लोग आए थे हमारे इंडिया में तो किस दर्रा से लेकर गुजरा था, खैबर की सिपकी, तो खैबर। और खैबर बता दूँ, खैबर दर्रा जो कि पाकिस्तान तरफ था पहले, ठीक है, अब हट गया है, मतलब पहले इंडिया में था पर अब पाकिस्तान चला गया, ठीक है। निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिम घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है, पिपली घाट या भोर घाट? तो पिपली घाट। जो जिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लोह से, अरुणाचल प्रदेश को लासा, तो श्रीनगर को लेह से। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, भूटान या म्यांमार? तो म्यांमार। बोमडिला दर्रा भारत किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश? तो अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में है, नाथुला एवं जलपला दर्रा या बुर्जिल दर्रा? तो नाथुला एवं जलपला दर्रा। निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, जलपला या सिपकला? जलपला। पालघाट किनके मध्य स्थित है, अनमलाई कार्डोमम पहाड़िया, नीलगिरी और अनमलाई पहाड़िया? टोंगुप दर्रा भारत को किस देश का जोड़ने वाला प्रतिमार्ग है, म्यांमार या पाकिस्तान? तो म्यांमार। किस पर्वतीय दर से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं, माना या बारालाचा? तो माना। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस तरह से होकर गुजरता है, पीर पंजाल या बनिहाल? तो बनिहाल। नेक्स्ट है खैबर का दर्रा कहाँ है, भारत या पाकिस्तान? तो पाकिस्तान में। निम्न से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कौन गलत है, रोहतांग जो कि हिमाचल प्रदेश में है सही है, नाथुला आपका अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये गलत है। नाथुला कहाँ था गाइस, उत्तराखंड में। नाथुला आपको सिक्किम में था। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, गया मणिपुर या सिक्किम? तो सिक्किम। पालघाट दर्रा किन दो राज्य को जोड़ता है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु या केरल तमिलनाडु? तो केरल तमिलनाडु को। पिपली घाट दर्रा किस प्रतिभाग में स्थित है, अरावली एवं ध्यानचंद सरोवर? तो अरावली में। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाती है, बनिहाल या फिर पंजाल? तो बनिहाल। भारत का सबसे बड़ा उच्च दर्रा कौन है, माना दर्रा, कारकोरम दर्रा? तो कारकोरम दर्रा। नासिक और मुंबई के कौन सा दर्रा जोड़ता है, थालघाट दर्रा या बनिहाल? तो थालघाट दर्रा, याद रखिएगा। जो जिला दर्रा का निर्माण किस नदी के कारण हुआ, सिंधु नदी या सतलुज नदी? तो सिंधु नदी। थालघाट और भोर घाट किस दर पर्वतमाला स्थित है, पूर्वी के पश्चिमी घाट? तो पश्चिमी घाट। आपके 25 पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए 25 में यहाँ पे कुछ स्टूडेंट लोग जैसे अनिल यादव, रिंकी मिश्रा, निर्मधु कुमार, सब लोग दिए हैं 20, 12, 15। आप लोग भी क्विज में अटेंड हो चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग उत्कर्ष क्लास में अटेंड हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। फिर मिक्सअप क्वेश्चन है, अब आगे बढ़ते हैं। एंड इसी प्रकार हमारे आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और प्लीज़ ध्यान से सुनने सुनने से ज़्यादा आपको याद होगा। और जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर का है, ना कि आपको अदर एग्जामिनेशन का, सब फिक्स है, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा जानवर अपनी जीभ से कान साफ करता है, तो आंसर होगा ऊंट। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है, मासिनराम या लेह? तो मासिनराम। सबसे पहले बर्फ किस देश ने बनाया, भारत या अमेरिका? तो अमेरिका ने। कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ, 1918 या 1256? तो 1918 में। किस देश में मोटापा बढ़ना गैरकानूनी माना जाता है, जापान या चीन में? तो जापान में। भारत का बगीचा किसे कहते हैं, बेंगलोर या उत्तर प्रदेश? तो बेंगलोर को। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है, तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन में, रेवाड़ी, तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन। किस देश की सरकार बच्चे पैदा करने में इनाम देती है, चीन या सिंगापुर? तो सिंगापुर। गौतम बुद्ध के लड़के का नाम क्या था, राहुल सिद्धार्थ? तो राहुल।
कुत्ते का दिल एक मिनट में कितने बार धड़कता है? 60 से 120 या 60 से 140? तो 60 से 140 बार। याद रखिए, जैसा कि हम लोग का एज क्या होता है, 72 बार होता है। मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग बिजली पैदा कर सकता है, लीवर या दिमाग? तो आपका होता है दिमाग। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकला कर्नाटक या मानसिंह राम? तो कुंचिकला कर्नाटक। किस चिड़िया का आवाज़ सबसे मधुर थी, कोयल या बुलबुल? तो बुलबुल का। भारत में फांसी सजा कौन माफ कर सकता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री? तो राष्ट्रपति। स्वादिष्ट प्रोटीन किस में पाता है, सोयाबीन या दूध? तो सोयाबीन में। आपको बता दूं कि दूध में कौन सा विटामिन पाता है, तो सी। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी या कावेरी नगर? तो इंदिरा गांधी नहर। आम के शहर के नाम से किस तो जानते हैं, लखनऊ या कानपुर? तो लखनऊ। नेक्स्ट है, भारत में सोने खान कहाँ है, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? तो कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलोर। उत्तर प्रदेश का लखनऊ। राजस्थान की राजधानी जयपुर अजमेर? तो जयपुर। भारत का सबसे बड़ा लेवल पुल कहाँ है, बेंगलोर ब्रिज या हावड़ा ब्रिज? तो हावड़ा ब्रिज। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ बना है, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश। फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है, भारत की या श्रीलंका की? तो भारत। गुलाब का सर किसे कहते हैं, चंडीगढ़ या पंजाब? तो चंडीगढ़ को। पढ़ने वाले पेपर को किस पेड़ से बनाया जाता है, बांस से या आम से? तो बांस से। पादप में ऑक्सीजन की सबसे अधिक सांद्रता कहाँ होती है, कहाँ होती है? वृद्धि करने वाले शीर्ष भाग पे, केवल जाइलम फ्लोएम में? तो वृद्धि करने वाले शीर्ष भाग में। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई या दिल्ली? तो मुंबई। हमारे भारत देश में कितने राज्य हैं, 28 से 29? तो 28। भारत का सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ है, कोलकाता या नई दिल्ली? तो कोलकाता। किस कार पर नंबर प्लेट नहीं होता है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति। शक्कर यानी चीनी का खोज किस देश ने किया था, चीन या भारत? तो भारत ने। हवा में कौन सी गैस मात्रा सबसे अधिक है, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन की? तो नाइट्रोजन की। कौन सा जीव कभी नहीं मरता, ऑक्टोपस या जेलफिश? ऑक्टोपस। स्वतंत्र भारत का पहले जन्म कब, 1951 या 1905? तो 1951 में। किस देश की लड़की से शादी करने पर सरकारी नौकरी मिलती है, फ्रांस या आइसलैंड? तो आइसलैंड। ठीक है, सो इसलिए सब लोग रेडी हो जाए, बॉय लोग चल जाओ। सोने का होटल किस देश में है, वियतनाम या भारत? तो वियतनाम। वियतनाम की राजधानी कहाँ है गाइस, हनोई। और भारत का नई दिल्ली। घड़ी सरफ किस देश की कंपनी है, पाकिस्तान या भारत? तो भारत की। हमारे भारत देश में कुल कितने जिले हैं, 726 से 720? तो 726 जिला याद रखिएगा। भारत में कोरोना का पहला टीका किससे लगा था, मनीष कुमार नरेंद्र मोदी? तो मनीष कुमार। सबसे ज़्यादा गुस्सा किस जानवर में होता है, जंगली बाघ या जंगली भेड़िया? तो भेड़िया में। भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा। चलिएगा अब डायरेक्ट आंसर बोलते हैं, ठीक है। मच्छर की उम्र कितनी होती है, 56 दिन या 52 दिन? तो 56 दिन। वो बात अलग है, हम लोग एक ही दिन में मारते हैं, पर इसका उम्र होता है 26 दिन। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश धानी ईटानगर। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर किसके बीच हुई, तो बाबर इब्राहिम लोधी। तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबी नदी गंगा नदी। दुनिया की सबसे कठिन भाषा चाइनीज भाषा। मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन होती है, जांघ की, इंग्लिश में बोलते हैं फीमर। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न से किस प्रमुख प्रजाति को दक्षिण गमन नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया, तो अंगूर को। और दक्षिण गमन नेशनल पार्क कहाँ गई, तो जम्मू कश्मीर में। ताजमहल किस नदी किनारे बना है, जमुना नदी। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन की कमी तौर पर अच्छी क्षेत्र हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। लौह पुरुष किस महापुरुष कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कोको कोला किस देश की कंपनी है, तो अमेरिका का। देश का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। चांद तक पहुंचने में कितने समय लगता है, 3 दिन। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, 5। सॉरी यहाँ गलती दिया है, 5 या 3, 3 होता है। एक शांति का एक 3 प्रतीक कौन कौन होता है, शांति का सफ़ेद शांति का होता है, एक आपके आज़ादी का लाल हमारे देश की प्रतीक, और हरा केसरिया जो प्रतीक है, अच्छे अच्छे का है, थोड़ा माइंड नहीं है बट। भारत सबसे लंबी सड़क कॉन्ट्रैक्ट रोड बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो 5 वर्ष। वर्तमान समय में भारत में कितने उच्च न्यायालय है, 25। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और सबसे छोटा बोलेगा तो गोवा। लेकिन क्या यह सब क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपको है उत्तर प्रदेश, और छोटा है सिक्किम। किस देश ने पुरुष को घर से बाहर जाने की सजा दी है, कोलंबिया में।
कोलंबिया की राजधानी बोगोडा। सबसे पहले जंगल का राजा किसे कहा जाता, तो हाथी को। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद पेड़। किस जीव की जीव काली होती है, जीव जिराफ की। सिंगमो फेस्टिवल आयोजित किया जाता है गोवा में। किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है, तो ब्लड वुड ट्री। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यदि अस्थायी बोल जाएगा तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है, तो जापान में। जापान की राजधानी, कमेंट में आप लोग करेंगे ठीक है, जापान का। और जापान का मुद्रा होता है इन, और भारत की नई दिल्ली, और भारत का रुपया। भारत के किस राज्य में रावण का मंदिर है, तो राजस्थान में। चूहा एक साल में कितने बच्चों को जन्म दे सकता है, 1000। ये भी आपका 71 कम्प्लीट हो गया ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। थीन बांध किस नदी बनाया गया है, तो रावी नदी। गांधीनगर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है, तो चंबल नदी। मैथान बाल पहाड़ी तिलैया बांध किस नदी पर है, बराकर नदी। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है, राजस्थान। लोनार झील स्थित है महाराष्ट्र में। वेम्बनाथ झील है केरल में। ज्वार सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जिला से किस नदी पर है, चंबल नदी। कोलोरू झील किस राज्य में, आंध्र प्रदेश। विश्व विख्यात जोग या गोरसोपा जलपात किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक। भारत का सबसे ऊंचा जलपात जोग जलपात। जोग या गोरसोपा जलपात का नाम क्या है, महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग जलप्रपात किस नदी पर, देखिए SSC आपको टैक्स असिस्टेंट में पूछा है 2009 में ठीक है। जोग जलप्रपात किस नदी पर, शरावती। इसलिए यह भी बहुत जरूरी याद रखना होगा, जोग या गोरसोपा जलप्रपात का नया नाम क्या है, तो महात्मा गांधी जलप्रपात। अब सब प्रवेश है। अलमांटी बांध किस नदी पर राज्य बनाया गया है, तो कृष्णा यानी कि कर्नाटक नदी, कर्नाटक के पास। मेट्रो बांध किस नदी पर, कावेरी नदी। धुआंधर जलप्रपात किस नदी पर, नर्मदा नदी। उमियम झील किस राज्य में, मेघालय। भारत का सबसे बड़े मीठे पानी की झील, उल्लर झील। नागार्जुन सागर बांध है आंध्र प्रदेश में। लोनार झील कहाँ है, तो उत्तरा महाराष्ट्र में। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील, उल्लर झील जम्मू कश्मीर में है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सा झील स्थित है, हुसैन सागर। निम्न में से कौन सा एक लैंगू झील नहीं है, अष्टमुति झील। निम्न से कौन सा नहीं है, हुसैन सागर झील कर्नाटक है या मणिपुर लोकटक, तो हुसैन सागर कर्नाटक सही है। लोकटक तो आपको कहीं जहाँ है ना, महाराष्ट्र में नहीं, सही है ये गलती, हुसैन सागर वाला, लोकटक मणिपुर सही है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय किस नदी निर्मित है, चंबल नदी। वेम्बनाथ झील किस राज्य में स्थित है, केरल में। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है, राजस्थान या महाराष्ट्र, तो राजस्थान में। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा या तमिलनाडु, तो उड़ीसा में। उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में है, मणिपुर में। नागी झील कहाँ है, देखेगा जितना भी नागिन शेषनाग नागलास्ट में आएगा ना, वो सब आपके जम्मू कश्मीर में होता है ठीक है। और ताल जितना भी लगता है ना, तो वो सब आता है आपको उत्तराखंड में, जैसे देवताल झील। भारत में कौन सा झील भारत के पश्चिमी तट पर है, अष्टमुद्री झील। निम्न में से कौन सा सागर नगर गोमती नदी किनारे स्थित नहीं है, तो चित्रकूट। भारत के प्रसिद्ध लगून झील चिल्का झील। कोलोरू झील किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश। भारत में विशालतम लगून कौन सा है, लगून झील। नेक्स्ट, आगरा किस नदी किनारे स्थित है, तो जमुना नदी। गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी पर है, तो मांडवी नदी। गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती किस संगम स्थित है, इलाहाबाद। और गाइस बता दूं कि इलाहाबाद से हमारे समय का निर्धारण भी किया जाता है ठीक है, इसको माइंड में रखना है। नेक्स्ट है, गंगा नदी पर कौन सा प्रांतीय राजधानी स्थित है, तो पटना। कोलकाता में हुगली नदी। निम्न में से कौन सा सर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो दिल्ली में यमुना नदी है और कानपुर में गंगा नदी। जमशेदपुर किस नदी पर स्थित है, तो स्वर्णरेखा। उज्जैन किस नदी किनारे स्थित है, तो छिपरा नदी। सूरत किस नदी के स्थित है, तो तापी या ताप्ती नदी। जम्मू कश्मीर के दाएं श्रीनगर किस नदी के स्थित है, तो झेलम। निम्न से कौन सा सर गोदावरी नदी किनारे स्थित नहीं है, तो खम्माम। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी किनारे स्थित है, बनामनी। निम्न से कौन सा किसी नदी के तट पर नहीं बसा है, तो भोपाल। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है, गोमती नदी। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, तो गोदावरी। तो गाइस कंप्लीट हो गया, चलिए भी जाते हैं आगे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ थी, तो आपको लुम्बिनी में ठीक है। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, पावापुरी कुशीनगर, तो पावापुरी। पावापुरी जो है ना गाइस,
ये आपका महावीर का मृत्यु हुआ था, ठीक है, जो जैन धर्म के थे, और गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, याद रखना है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, तो बेतल है में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंड ग्राम में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण निर्वाण कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर, वही मृत्यु। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था, तो नाडिया में। सुप्रसिद्ध उर्द शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे, आगरा के। किसकी समाधि होने के कारण नादिर गुरुद्वारा सिख संप्रदाय के पवित्र स्थल माना जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, चैतन्य। भारतीय पुनर्जागरण जागरण के आंदोलन के पिता, राजा राम मोहन राय। संगीत एवं ध्रुपद गायक तानसेन को कंठम भारत विलास की उपाधि किसने थी, तो अकबर ने। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान किया, महाराज खेत्री ने। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसकी है, कबीरदास। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया। गुरु नानक का वास्तु के नाम नानक था। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है, 5 लाख। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या है, साइकिल। तरंग मुख्य रूप से कितने भागों में होती है, 2 भागों में। अल्टीमीटर काम आता है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए। किस गवर्नर के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना हुई, तो लॉर्ड डफरिन। महाराणा प्रताप के बाद शासन कौन बना, महाराणा अमर सिंह। विश्वी संप्रदाय के संस्थापक, जाभू जी। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य प्रमाण किस सभ्य को मिलता है, एरन ऑफ लेख। सिंधु सभ्यता कुछ किसने किया, 1921 में दयाराम साय ने, याद रखना है। सेनु वंश के संस्थापक कौन थे, सामंत सेन। बाबर ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया, 5 बार। 10 कुमार क्षेत्र के लिए कौन है, दंडी। भारत किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राजस्व रखती है, उत्तर प्रदेश। लूनी नदी बहती है, राजस्थान। कुरुक्षेत्र कहाँ है, हरियाणा। भूपेश बघेल किस राज्य मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़। रोपण कृषि कहाँ होती है, मेघालय में, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, हम्पी। दौराई का युद्ध किस वर्ष हुआ, 1659 में। नेक्स्ट है, सिंधु बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो मरकरी का। संविधान सदन किस क्षेत्र में, अनुच्छेद 368। निर्धन जनसंख्या वाला राज्य, सिक्किम। कानपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, चमड़ा उद्योग। नाबार्ड की स्थापना 1982, और नाबार्ड का फुल फॉर्म मुझे आप लोग कमेंट में करेंगे। भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 1951। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र स्थित है, अजमेर में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला का जमाव किस राज्य में, तमिलनाडु में। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहला बार हराया, भीमदित्य। प्रथम लोकसभा कार्यकाल रहा 1952 से 1957। भारत में किस गवर्नर के शासनकाल में रविवार के दिन छुट्टी शुरुआत हुई, लॉर्ड एलिन बरो। रंपा का विद्रोह कहाँ हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में, और कब हुआ था, 1916 में, याद रखिएगा, ठीक है। मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासन पद था, महाप्रधानी। गोलकुंडा कहाँ है, तो हैदराबाद। नेक्स्ट है, वीर पंचाल का अर्थ होता है दस्तकार पर। किस संगम और शासक का प्रौढ़ देवराय भी कहता है, तो मल्लिकार्जुन। सेवों का जनता किसे कहता है, लिपाची को। बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है, मोहम्मद आदिल शाह का। विजयनगर साम्राज्य के अपने उद्योग के लिए भारी हरियर बुक्का। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो क्लोरीन का। कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लेग हो जाता है, तो कोयला खान में। कौन ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन जो अवरोधी श्वसन से पीड़ित रोगी को दी जाती है, हीलियम। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट करती है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसमें। रेसोल उदाहरण है धुआं। धूम कोहरा मौजूद आंखों में जलन पैदा करता है, बताइए क्या उसमें होता है, तब पैराफिक्स एसिटिल नाइट्रेट होता है। वायुमंडल में कौन सी गैस पारावैनिक किरणों को अवशोषण कर लेता है, तो ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। कृत्रिम वर्षा में एक बीजाणु के लिए प्राय किरण रसायन की तरफ क्या है, तो सब है, सूखी बर्फ, सोडियम क्लोराइड, सिल्वराइड। हरे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एथिलीन कैसिलीन, तो एथिलीन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CH3Cl। खनिज पदार्थों में दृष्टि में कौन भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है, छोटा नागपुर का पठार। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह छोटा नागपुर पठार। निम्न से कहाँ से उत्तम किस्म की लौह अयस्क प्राप्ति होती है, वेलाडीला में या लोहरदगा में, तो वेलाडीला से। कुदरी मुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में। वेलाडीला खान लौह चेक किसके लिए, विशाखापट्टनम। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबूबदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए, तो लौह अयस्क। भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य, ओडिशा।
और झारखंड आपको कोयला होता है, ठीक है। लेकिन अब आपको झारखंड के बाद अब छत्तीसगढ़ होता है, ठीक है, ऑप्शन। और छत्तीसगढ़ नहीं रहने पर आप कोयला ऑप्शन मार सकते हो, ठीक है। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश भाग लौह किसके प्रकार होता था, हेमेटाइट। जावर एवं रामपुर आगुचा खनन क्षेत्र किस से है, सीधा रास्ता। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य, राजस्थान। निम्न से कौन स्थान कॉपर खनन संबंधित है, खित्री। भारत में बॉक्साइट की सबसे उत्पादक राज्य, उड़ीसा। कौन बॉक्साइट का प्रमुख खान है, लोहरदगा। पलामू और लोहरदगा किस खनिज के लिए है, तो बॉक्साइट के लिए। बॉक्साइट किसका आवश्यक है गाइज, तो है आपका अल्मोनियम का। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ होता है, तो राजस्थान में। कोडरमा किस खनिज के लिए है, तो अबरक के लिए। अब बता दूँ अबरक सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला इंडिया फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। गुजरात में बड़ौदा क्षेत्र की मोतीपुर खाना से कौन पता निकालता है, तो सफ़ेद संगमरमर। निम्न में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादन करने वाला राज्य, कर्नाटक। और हीरा का पूछेगा तो गाइस आपका है वो पन्ना होता है, ठीक है। पन्ना एक जगह है जो कि हीरा का खान है वहाँ पे, ठीक है। और कर्नाटक में सोने का खान। द ओरिजिन ऑफ स्पेसी पुस्तक ले कौन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन है, क्योंकि बायोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे। एक मोनोसेंट्रिक संरचनात्मक जीन कूट लेखन अनुक्रम क्या कहलाता है, तो इंडिविजुअल। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, गोदावरी। नंदा देवी जयमल कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में। बहादुर फर्स्ट शाह की मृत्यु के बाद जहारदास मुगल किसकी सहायता सम्राट बना, जुल्फी फकार खां। एक सन सपोर्ट साइकिल कितने वर्ष का होता है, 11 वर्ष। तीन आकाश गंगा के समूह क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर। हेली नामक पूछते तारा किस पर दिखाई देगा, 262। रेबिज की टीके खोज किसने की, विपाश्चर। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार में से किस पीठ की सुनवाई के लागू प्रश्न 22 में शुरू किया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। एप्पल ने भारत में आईफोन 14 का उत्पादन कहाँ के फॉक्सकॉन स्वागत किया, श्री परविंदर। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किसी शासनकाल दिल्ली बसे, दिल्ली बसे, अकबर। लावी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, हिमाचल प्रदेश। किस देश को मध्य एशिया का क्रॉस रोड कहा जाता है, अफगानिस्तान। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है, एसी को स्टेटअप में डाउन करना, एसी वोल्टेज को। एसी का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी का डायरेक्ट करंट, एसी से डीसी में कनेक्ट करता है ट्रांसफर, याद रखिएगा। ओके, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है गाइस। अब जो क्वेश्चन है आप लोग इसको थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है। पेंसिल के अंदर जो काला पदार्थ था उसमें क्या होता है, ग्रेनाइट। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था, लॉर्ड डलहौजी। देशबंधु दास किसका उपनाम है, चित्तरंजन दास। मनुष्य शरीर में कितने गोलसूत्र पाते हैं, 46, और जबकि वहाँ पर 23 जुड़ा रहेगा, ठीक है, दोनों हो सकता है। आसमान टूट पड़ना क्या होता है, मुसीबत आना। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया, मराठों ने। भारत का प्रथम गवर्नर वायसराय, लॉर्ड कैनिंग। रोटी किस गैस कारण फूलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में। कंबोडिया की राजधानी आपका वियतनाम, एक ही हनोई। चिल्का झील किस राज्य में है, तो उड़ीसा में। वेट सम टाइम्स गाइस, कुछ देर वेट करिए गाइस, ओनली 1 मिनट। गाइज कंटिन्यू बोलना चाहिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसलिए थोड़ा सा बीच में वेट किया, रेस्ट लिया। तो गाइज था चिल्का झील किस राज्य में, तो उड़ीसा में, ठीक है। कान की हड्डियाँ कितनी होती है टोटल, तो 6 होती है, ठीक है। और गर्दन में बता दूँ तो गाइज आपका 7 होते हैं, ठीक है। और चेहरा में 14 होता है, और कपाल में 8 होते हैं। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया, तो ऋग्वेद से। सामवेद का गाइज संगीत के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अर्थवेद होता है ना, अर्थवेद में आपका ये भूत प्रेत से संबंधित है। और चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, ठीक है। पांच नदी की भूमि किसे कहते हैं, पंजाब। इंडिका पुस्तक लेख कौन है, मेगास्निक। पृथ्वी दिवस का मनाता है 22 अप्रैल।
विश्व मानवाधिकार दिवस बहुत बार पूछा है, 10 दिसंबर। महात्मा गांधी जेल पर ना कहाँ है, तो कर्नाटक में। रेगुलेटिंग एक्ट का पारित हुआ 1773, ये ऐसा एक्ट था जिसे गाइस सभी को गिरफ्तार किया जा सकता था बिना रीजन का। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, तो कलकत्ता। 1911 में चेंज कर दिया गया जो कि भारत फिर हो गया। भारत का सबसे एफिल टावर किस देश में है, तो फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। भारत में सबसे अधिक कौन किस राज्य में है, मध्य प्रदेश। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। विटामिन ई का अच्छा स्रोत, गाजर। हस्तचरित के लेखक, बानभट्ट। मानव हृदय कक्षों में संख्या 4। भारत का सबसे ऊंची मीनार, कुतुब मीनार। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है, तो मुंबई। मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, नवमारद्वीप। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। फूलों घाटी उत्तराखंड। फेफड़ों का आकार कैसा होता है, तो शंक्वाकार यानी कि शंकुकार होता है। अंगूठा चूसना का मतलब होता है खुशामद करना। उगते हुए सूर्य का देश जापान। और गाइज सनसेट होते हुए कौन सा हो जाएगा, उदय अस्त होते हुए तो आपका ब्रिटेन हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब हुआ था गाइज, तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना। कार्य के मात्रक जूल। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। अमरनाथ तीर्थस्थल है जम्मू कश्मीर में। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, भीमराव अम्बेडकर। हंटर आयोग की नियुक्ति कब हो गई थी, जालौर बाघ हत्याकांड में। पृथ्वी पर एक घंटे में कितना दिशा घूम लेता है, 15 डिग्री। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120/80। दही का जमना रीजन क्या है, तो रासायनिक प्रतिक्रिया कारण होता है। और दही का जमता है गाइस बैक्टीरिया कारण, और अम्ल बोलेगा तो लैक्टिक अम्ल कारण होता है, ठीक है। जय जवान जय किसान किसने देंगे, लाल बहादुर शास्त्री। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान बोलता ना, तो अटल बिहारी वाजपेयी। निकट की वस्तु ना दिखाई देने पर कौन सा होता है, दूरदृष्टि दोष। मुगल वंश का संस्थापक बाबर। गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, विज्ञान क्षेत्र में। मेरी संसद यात्रा किसी रत्न, अटल बिहारी वाजपेयी। भारत का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। अच्छा गाइज ऑप्शन है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ जो है ना आपका, यह भारत और पाकिस्तान का बीच रेखा है, ठीक है। भारत के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। प्रतिभा पाटिल कौन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। आगरा की स्थापना किसने किया, सिकंदर लोदी ने। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो सिकंदर लोदी। मधुमेह दिवस कब होता है, 14 नवंबर। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। और इसी प्रकार के आप लोग डेली और क्विज चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और भी लंबे वीडियो भी देखना चाहते हैं, हमारे जाके प्ले लिस्ट में देखें, बहुत सारे हैं, हर टॉपिक के पे है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जे के, जी एस, साइंस, संस्कृत, ऑल ऑफ अस सब्जेक्ट देख सकते हैं। और इस प्रकार के डेली चैनल देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी कोई मिस्टेक या भूल हो तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। एंड थैंक यू गाइस।